टेस्ट में इतनी डिलीशियस के काजू कतली और रसमलाई सब खाना भूल जाएंगे और इतनी स्मूथ के मुंह में रखते ही घुल जाए। बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए सिर्फ 6 मिनट में सुपर डिलीशियस माउथ वाटरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई घर पर आसानी से तैयार करें। जो भी आपके हाथ की बनी ये स्पेशल तिरंगा मिठाई खाए वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि यह मिठाई आपने आखिर कैसे बनाई। तो चलिए बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग माउथ वाटरिंग सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई को बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई बनाने की पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिलती रहे। सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई तैयार करने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 6 बादाम डालेंगे, 6 काजू डालेंगे और 6 पिस्ते डालेंगे। मिठाई में फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची डालेंगे और मिठाई में स्वीटनेस के लिए 2 चम्मच भर के चीनी भी डालेंगे और इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूटों का हेल्दी पाउडर हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, हम आपको इस जार में दिखाते हैं। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें इस पाउडर को निकाल लेंगे। हम यहाँ एक छोटी प्लेट भर के फ्रेश नारियल को ग्राइंड करके ले रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप ले लें, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। एक छोटा बाउल भर के हमने डेसिकेटेड नारियल पाउडर लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हमने 8 से 10 ब्रेडों की किनारे हटाकर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रहे हैं। एक छोटी प्याली भर के हमने शुगर पाउडर यानी बूरा लिया है स्वीटनेस के लिए मिठाई की। एक छोटी प्याली भर के हमने ग्राइंड करके खोया ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को स्पैचुला से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप फ्रिज का ठंडा दूध डालकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। आप यहाँ दूध की जगह मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मलाई रखी हो तो आप दूध को स्किप कर दें और मलाई डालकर एक फाइन डो तैयार कर लें। एकदम परफेक्ट और फाइन डो तैयार हो चुका है। अब इस डो के 3 पार्ट करेंगे। तीनों पार्टों में से 2 पार्ट निकालकर अलग एक प्लेट में रख देंगे। बाउल में बचे हुए एक पार्ट में ग्रीन कलर डालकर इसका ग्रीन कलर का डो तैयार कर लेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने कलर डो में मिक्स करके एक फाइन डो तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे भी बहुत फाइन तरीके से ऑरेंज कलर का डो तैयार कर लेंगे। ग्रीन और ऑरेंज कलर के दोनों डो तैयार हो चुके हैं। अब वाइट वाले डो को भी बाउल में रखकर 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। तब तक के लिए मिठाई जमाने के लिए हम एक छोटी ट्रे लेंगे और उस पर घी लगा लेंगे। सबसे पहले ग्रीन डो लेंगे और उसे उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर दूसरा वाइट डो लेंगे, उसे भी उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। फिर तीसरा ऑरेंज डो लेंगे, इसे भी बहुत ही सावधानी से पहले हाथ पर फैलाएंगे, फिर इसे ट्रे पर रखकर इसको भी उंगलियों से दबाते हुए पूरी ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से तिरंगा मिठाई बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिल्वर पॉइंट से डेकोरेट करके पिज़्ज़ा कटर से मिठाई के पीस कट करने के लिए कट लगाएंगे। सबसे पहले 3 पार्ट के कट लगाएंगे, फिर लंबा लंबा कट लगाएंगे, उसके बाद ट्रायंगल शेप में इसके पीसेस के कट लगाएंगे। इस तरह कट करने से ये काफ़ी सारे पीसेस बनकर तैयार हो जाएंगे तिरंगा मिठाई के। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी पसंद से किसी भी शेप में मिठाई के पीस कट कर सकते हैं। बादामों को 2 पीस में कट कर लेंगे, फिर एक एक पीस मिठाई के एक एक पीस पर लगाकर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए जमा देंगे और इस मिठाई को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। लग रही है ना बिल्कुल ऐसी जैसे किसी हलवाई ने इस मिठाई को तैयार किया हो। 1 घंटा हो चुका है और मिठाई भी सेट हो चुकी है। अब इसे फ्रीजर से निकालेंगे और स्पैचुला से बहुत आराम से इसके पीसेस निकालेंगे। हम स्पैचुला से निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी ईजिली मिठाई निकल चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है।
तो आप भी इस आसान रेसिपी को फॉलो करें और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने बच्चों और बड़ों को ये सुपर डिलीशियस माउथ वाटरिंग और स्मूथ इतनी कि मुंह में रखते ही घुल जाए तिरंगा मिठाई बनाकर सभी को खिलाएं। आप इस मिठाई को इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले बनाकर इसे स्टोर करके एक बाउल में भी रख सकते हैं। आप इस मिठाई को एक हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मिठाई देखने में जितनी डिलीशियस है खाने में तो सुपर्ब है और इतनी स्मूथ है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और घर पर इसे बनवा कर स्टोर करके रख लो और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसे खाकर एंजॉय करो। तो है ना ये बहुत ही अमेजिंग, सिर्फ 6 मिनट में तैयार की जाने वाली, बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए ये तिरंगा मिठाई की रेसिपी। हम आपको इसका एक पीस तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली टूट जाता है और ये अंदर से भी कितना कलरफुल और अमेजिंग है ना ये परफेक्ट तिरंगा मिठाई। जो भी आपके हाथ की बनी इस अमेजिंग और सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई को खाएगा वो आपसे पूछने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि आपने आखिर इसे कैसे बनाया। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।